नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। माघ मास को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन कुछ खास काम करने से जीवन में हर काम में सफलता मिलती है, हर मोड पर सफलता मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है। वहीं कुछ ऐसे काम भी है जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो वंश पर बुरा असर पड़ता है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए। जिसकी कुंडली में पितृदोष हो तो वह मौनी अमावस्या पर ज्योतिष की सलाह लेकर पितृदोष निवारण मंत्र स्थापित करें। यह यंत्र पितृदोष से दुष्प्रभावों में कमी लाने के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसके प्रभाव से धन संतान पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन मौन रखने वालों को तन और मन दोनों की शुद्धता प्राप्त होती है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मौन रहकर व्यक्ति खुद को अच्छी तरह समझने में कामयाब होता है, इसीलिए इस दिन मौन व्रत का विशेष महत्व है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर गंगा जल से स्नान, तेल का दान, शिव जी का अभिषेक, पितरों का तर्पण आदि धार्मिक कार्य बहुत ही फलदायी माने गए हैं। इससे साधक को सात पीढ़ियां तर जाती है, वंश फलता फूलता रहता है। इसके बाद शनि की महादशा से राहत के लिए मौनी अमावस्या पर पीपल को दूध, जल, काले तिल से सींचने पर पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दौरान शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। अब जानते हैं मौनी अमावस्या पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण किया है वह इस दिन कुछ भी नहीं बोले, एकांत में रहकर मुनियों जैसा आचरण करें, साथ ही विचारों में भी शुद्धता रखें, तभी यह फल देगा। तामसिक भोजन न खाएं, इससे दोष लगता है। इसके अलावा अमावस्या पर पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। कोई नया कार्य, मांगलिक काम या फिर भूमि वाहन आदि न खरीदें, ये पूर्वजों को याद करने का दिन है। मौनी अमावस्या पर चंद्रमा लुप्त होता है, नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ऐसे में इस दिन कहीं अकेले सुनसान जगह न जाने का सलाह दी जाती है, ताकि असुरी शक्तियों से आपका बचाव हो सके। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।